हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का साइंस का चैप्टर 8, दैट इज सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि टेक्स्ट बुक के बीच से आपको बोर्ड एग्जाम 2024 में मिल सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में यहाँ पर आपको कुछ उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, सिर्फ आपको ये पूछ सकते हैं साइटोलॉजी के बारे में, और उसके बाद ये, हाँ ये डायग्राम आपको पूछ सकते हैं। ये डायग्राम आपका लास्ट ईयर 9th का डायग्राम है। देखो बिसाइड्स अबव मेंशन, अच्छा द अर्लियर वी हैव स्टडीड, यहाँ से यहाँ तक आपका क्या रहेगा भाई, साइटोलॉजी दैट इज सेल बायोलॉजी का सेक्शन है। फिर इसके बाद लास्ट में आपको ये दो नाम याद रखना, दैट इज देर आर रेवोल्यूशन चेंज इन फील्ड ऑफ इम्यून हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट स्पेशली फॉर डेडिकेटेड फॉर रिसर्च ऑन सेल्स आर एस्टेब्लिश्ड एट पुणे एंड बेंगलुरु इंडिया। नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस पुणे एंड इंस्टेम एट बेंगलुरु आर इन्वॉल्व इन वैल्यूएबल रिसर्च। फिर डायरेक्टली आप किधर आ जाओगे, तो भाई स्टेम सेल्स पे आ जाओगे। देखो स्टेम सेल्स की जब आप बात करेंगे, तो दिस आर स्पेशल टाइप ऑफ, हाँ बराबर, द सेल गिव राइज टू ऑल अदर टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट इन बॉडी ऑफ यूनिट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इंपॉर्टेंट रोल इन वूंड हीलिंग के लिए भी। वी हैव स्टडीड ऑल स्टेम सेल्स ऑफ प्लांट्स इन द प्रीवियस क्लासेस, नाउ वी शैल स्टडी एनिमल्स का। फॉर्म फ्रॉम द जायगोट दैट इज फॉर्म बाई यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट एट द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑर्गेनिज्म इज द फॉर्म ऑफ मास ऑफ सेल। ये पार्ट, ऑल द सेल इन दैट मास आर ऑलमोस्ट अलाइक, दिज आर कॉल्ड एज स्टेम सेल। तो योग्य स्टेम सेल्स क्या होते हैं। इसके बाद फर्दर जब आप ये वाले सेक्शन पे आओगे, तो इसके अंदर देखो क्या बोला है, ड्यूरिंग फर्दर डेवलपमेंट दिस सेल फॉर्म एनी टाइप ऑफ सेल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन द चलिए जब आप ये वाले सेक्शन पे आओगे, तो यहाँ पर क्या बोला, देखो ड्यूरिंग फर्दर डेवलपमेंट दिस सेल फॉर्म एनी टाइप ऑफ सेल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू एंड डिफरेंट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन द बॉडी। दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ स्टेम सेल्स। हाउएवर वंस द टिश्यूज आर फॉर्म द सेल इन दोज टिश्यू एट द मोस्ट कैन फॉर्म सेम टाइप ऑफ सेल। दिस इज द केस इन ईच पार्ट ऑफ द बॉडी। हाउएवर स्टेम सेल्स आर प्रेजेंट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन इन सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी। स्टेम सेल्स कहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, उसका लोकेशन दिया है। देखो फर्स्ट लोकेशन दिया है, स्टेम सेल्स आर प्रेजेंट इन अम्बिलिकल कॉर्ड विच द फीटस इज जॉइंट टू द यूट्रस ऑफ द मदर। अम्बिलिकल कॉर्ड पे रहता है। स्टेम सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द ब्लास्टोसिस स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। स्टेम सेल्स आर प्रेजेंट इन रेड बोन मैरो एंड एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू ऑफ अडल्ट ह्यूमन बींग। ये तीन लोकेशन दिया है कि जहाँ पर आपको क्या मिल सकता है, तो भाई स्टेम सेल्स मिल सकते हैं। इसके बाद क्या बोला, इट इज बिकम पॉसिबल टू प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज एंड डीजनरेटेड पार्ट ऑर्गन विद द हेल्प ऑफ स्टेम सेल। स्टेम सेल को प्रिजर्व कैसे करते हैं, तो देखो केप्ट लिक्विड नाइट्रोजन एट दिस मच टेम्परेचर। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आपका क्या दिया, देखो स्टेम सेल रिसर्च। दो तरीके का स्टेम सेल होता है, एक होता है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल और एक होता है अडल्ट स्टेम सेल। पहले बात करते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल की। इसमें क्या रहता है, डिवाइड ऑफ द जायगोट एंड देयर बाय इज कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रियो। सेल्स ऑफ एम्ब्रियो अंडरगो रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन। सेल डिफरेंशिएशन स्टार्ट फ्रॉम 14 डे ऑफ कंसेप्शन। सेल ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स लाइक ऑस्टियोसाइट्स हेपेटोसाइट्स एंड न्यूरॉन्स आर फॉर्म ड्यू टू डिफरेंशिएशन। एम्ब्रियोनिक सेल्स बिफोर डिफरेंशिएशन आर कॉल्ड एज एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। मार्क कर लेना, 220 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स इन ह्यूमन बॉडी आर फॉर्म फ्रॉम सिंगल टाइप ऑफ सेल। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल से कितने सेल्स बनते हैं, तो भाई 220। स्टेम सेल्स आर प्राइमरी टाइप ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल विद सेल्फ मल्टीप्लाइंग एबिलिटी। क्या होता है, सेल्फ मल्टीप्लाइंग एबिलिटी एंड दे आर पेरेंट सेल्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ह्यूमन सेल। दिस प्रॉपर्टी ऑफ स्टेम सेल इज कॉल्ड एज प्लूरीपोटेंसी। मार्क कर लेना, प्लूरीपोटेंसी क्या होती है। इट हैज बीन फाउंड दैट इफ दिस स्टेम सेल्स आर कलेक्टेड वेल बिफोर द बिगनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन ऑन 14th डे दैट इज 5th टू 7th डे and cultured with certain biochemical stimulus in laboratory, as per the stimulus they can transform themselves into desired type of cell, thereby tissues and finally into organs. ये ऐसे parts को आपको read करके रखना है, क्योंकि इसमें एक दो marks के question बनेंगे तो आपसे click out जरूर होगा वो। चलिए next बात करते हैं adult stem cells की। ये कहाँ पर मिलते हैं, body of the adult person से मिलते हैं। Three main sources of adult person stem cells can be obtained from the red bone marrow, एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू एंड ब्लड। तीन जगह से मिल सकते हैं। बिसाइड स्टेम सेल्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम कॉर्ड ब्लड इमीडिएट आफ्टर बर्थ। नेक्स्ट देखते हैं यूजेस ऑफ स्टेम सेल। तो पहला हमारा कौन सा यूजेस है भाई, तो रीजनरेटिव थेरेपी में यूज करते हैं, और सेकेंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन बोलूँ तो मतलब क्या हो जाएगा, देख भाई रीजनरेटिव बोला तो सेल थेरेपी हो गया। स्टेम सेल्स आर यूज टू रिप्लेस द डेड सेल्स इन केस ऑफ कंडीशंस लाइक डायबिटीज, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, अल्जाइमर डिजीज, पार्किंसन एक्सेट्रा। और सेकेंड बी
प्रोड्यूस ब्लड सेल्स रिक्वायर्ड इन कंडीशन लाइक एनेमिया, थैलेसेमिया एंड ल्यूकेमिया. नेक्स्ट, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन इन केस ऑफ फेलियर ऑफ ऑर्गन्स लाइक किडनी एंड लिवर, दोज कैन बी प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ स्टेम सेल्स एंड ट्रांसप्लांटेड. मतलब नया ऑर्गन भी आप बनाकर क्या कर सकते हो भाई, ट्रांसप्लांट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्टेम सेल्स. अब बात करते हैं ऑर्गन का, बात क्या, अब बात करते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन. ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, डायग्राम मार्क कर लेना. देखो यहाँ पर स्टेम सेल्स दिया है, तो स्टेम सेल से सबसे पहला ये जो लाइन ऑफ चीजें बनी है इसको आप क्या बोलते हो, तो भाई टिश्यू बोलते हो. और यही टिश्यू से आपका क्या बनता है, तो ये जो आपको सेक्शंस दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं भाई, तो ऑर्गन बोलते हैं. तो पहला स्टेम सेल, सेल से क्या बनता है टिश्यू, टिश्यू से क्या बनता है ऑर्गन. ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन वेरियस ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बॉडी आइदर बिकम लेस एफिशिएंट और कंप्लीटली फंक्शनलेस ड्यू टू वेरियस रीजंस लाइक एजिंग, एक्सीडेंट, इन्फेक्शन, डिसऑर्डर एक्सेट्रा. लाइफ ऑफ सच पर्सन बिकम डिफिकल्ट और इवन फर्टिलिटी में अगर अंडर सच कंडीशन. हाउएवर पर्सन गेट्स द नेसेसरी ऑर्गन अंडर सच कंडीशन इट्स लाइफ कैन बी सेव्ड. अवेलेबिलिटी ऑफ डोनर इज एन इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन. डोनर का होना जरूरी है जो भाई अपना ऑर्गन दे. अगर नहीं मिल रहा है तो फिर आप ट्रांसप्लांटेशन नहीं करवा सकते. वो डोनर की अवेलेबिलिटी नहीं रहती है, इसीलिए किसको यूज करते, तो भाई बायोटेक्नोलॉजी, जिसके अंदर ये एक स्टेम सेल रहेगा इसको अलग अलग सेक्शंस में वो कन्वर्ट करते हैं. एज द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन कैन ऑकर विद द हेल्प ऑफ सिंगल किडनी, पर्सन कैन डोनेट वन अनदर वन. सिमिलरली स्किन फ्रॉम सर्टन पार्ट्स ऑफ द बॉडी कैन ऑल्सो भी डोनेटेड. वेरियस फैक्टर्स लाइक ब्लड ग्रुप, डिजीज, डोनर एंड रेसिपिएंट नीड टू बी पेड अटेंशन ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन. तो ये तुमको पूछेंगे विच फैक्टर्स आर नीड टू बी पेड अटेंशन ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन, तो यहाँ का ये आपका आंसर बनेगा. अवर अदर ऑर्गन्स कैन नॉट बी डोनेटेड ड्यूरिंग लाइफ टाइम. ऑर्गन्स लाइक लीवर, हार्ट, आइज कैन बी डोनेटेड आफ्टर डेथ ओनली. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया. दिस हैज लेड टू इमर्जेंस ऑफ कंसेप्ट लाइक पोस्थोमस आफ्टर डेथ डोनेशन ऑफ. तो एग्जाम में पूछेंगे व्हाट इज पोस्थोमस, व्हाट इज पोस्थोमस पूछेंगे, तो क्या होता है आफ्टर डेथ डोनेशन ऑफ बॉडी एंड ऑर्गन्स, इज नथिंग बट योर पोस्थोमस. चलिए नेक्स्ट देखते हैं ऑर्गन एंड बॉडी डोनेशन क्या होता है. ह्यूमन बॉडीज आर डिस्पोज आउट आफ्टर डेथ एज पर ट्रेडिशनल, हाउएवर इट हैज बीन रियलाइज दैट एनी ऑर्गन्स रिमेन फंक्शनल फॉर सर्टन पीरियड इवन आफ्टर डेथ ऑकर अंडर स्पेसिफिक कंसेप्ट लाइक ऑर्गन डोनेशन एंड बॉडी हैव एमर्ज्ड रिसेंटली आफ्टर रियलाइजेशन दैट ऑर्गन सच ऑर्गन कैन बी यूज टू सेव द लाइफ ऑफ द नीडफुल पर्सन. इसमें से ना आपको क्या आएगा पता है, क्या नोट आएगा, राइट अ शॉर्ट नोट. तो ये पूरा का पूरा आप रीड आउट कर लीजिए, एक दो शॉर्ट नोट यहाँ से, एक दो मार्क्स के क्वेश्चन तो नहीं मिलेंगे, राइट शॉर्ट नोट आपको यहाँ से मिल जाएगा. चलिए इसके बाद इसमें जब आप आ जाओगे ये, तो यहाँ पर देखो एक दिया है क्वेश्चन, ये ऑर्गन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन इज ऑकर अंडर द कंट्रोल ऑफ ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट 1944 एंड सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट्स ऑफ 2009, 2011 एंड 2014 सो दैट ओवरऑल प्रोसेस वुड बी ट्रांसपेरेंट एंड एनी पर्सन वुड नॉट बी चीटेड. ये एग्जाम का क्वेश्चन है, इस बार आएगा ही आएगा ये क्वेश्चन, मार्क आउट करके रखना. ऑर्गन्स दैट कैन बी डोनेटेड, क्या क्या डोनेट कर सकते, स्किन, किडनी, पैनक्रियाज, हार्ट, आईज, लंग्स, लीवर एंड बोन. सोचो बोन भी आप डोनेट कर सकते हो, कंडीशन है मैच होना चाहिए. अब आते हैं व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी. देखो बायोटेक्नोलॉजी इज ब्रिंगिंग अबाउट आर्टिफिशियल जेनेटिक चेंजेस एंड हाइब्रिडाइजेशन इन तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज योर बायोटेक्नोलॉजी. वी हैव स्टडीड इन द अर्लियर बायोटेक्नोलॉजी इज ब्रिंगिंग अबाउट आर्टिफिशियल जेनेटिक चेंजेस एंड हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिज्म फॉर ह्यूमन वेलफेयर. वेरियस ब्रांचेस लाइक साइटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग आर इंक्लूडेड इन बायोटेक्नोलॉजी. तो आपको पूछ सकते हैं कि विच वेरियस फील्ड्स आर इंक्लूडेड इन बायोटेक्नोलॉजी. हाई क्लास ऑफ वराइटीज क्रॉप्स हैव बीन डेवलप्ड थ्रू द टेक्निक ऑफ टिश्यू कल्चर. इन फार्मेसी एक्सपेरिमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, विटामिन्स एंड हार्मोन्स लाइक इंसुलिन हैव बीन सक्सेसफुल. चलिए अभी इसमें देखते हैं यूजेस बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स मेन एरियाज, फिर उसके बाद बेनिफिट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. एग्जाम का ये क्वेश्चन है जिसमें आपको पूछते हैं बेनिफिट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, तो ये चारों पॉइंट आपको लिखने रहेंगे. इंपॉर्टेंट एरियाज पूछेंगे तो इसमें से कोई भी आप दो या तीन एरिया लिख सकते हो, वो इंपॉर्टेंट एरियाज में आपका आ जाएगा. ये सेक्शन आपको दोनों रीड आउट करना है. चलिए इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन इंडिया, ये चेकआउट करते हैं ये टेबल में क्या दिया है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड इन 1982, द बोर्ड वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन 1968. वेरियस इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया आर वर्किंग अंडर द कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. इट इंक्लूड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, नेशनल फैसिलिटी फॉर एनिमल टिश्यू. ये पूरा का पूरा सेक्शन आपको करना. दिस फैसिलिटीज आर हायर एजुकेशन रिसर्च इन द टिश्यूज फॉर वेयर थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स हैव परस्यूड पीएचडी डिग्रीज एंड कंट्रीब्यूटिंग टू प्रोग्रेस ऑफ
बाकी कुछ नहीं, स्टार्टिंग का खाली आपको चाहिए था। अब हम देखेंगे क्रॉप कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। कमर्शियल मतलब क्या, ऐसे एप्लीकेशन जिससे आपको क्या मिलेगा, तो भाई मनी मिलेगा। कॉमर्स का मतलब क्या होता है, मनी। तो मनी के लिए हम क्या करेंगे, कमर्शियल एक्टिविटीज करेंगे। नेक्स्ट सबसे पहला क्या आता है, तो भाई इसमें आएगा हाइब्रिड सीड। हाइब्रिड सीड में क्या आएगा, जीन्स ऑफ डिफरेंट वराइटीज टू डिफरेंट क्रॉप्स आर रिकम्बाइंड टू फॉर्म हाइब्रिड वराइटी ऑफ क्रॉप। दिस इज स्पेशली फॉर फ्रूट्स। नॉर्मली फ्रूट्स के लिए करते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। क्रॉप्स डेवलप विद डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक बाय इंटीग्रेटिंग फॉरेन जीन विद देयर जीनोम इज कॉल्ड एज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज GMO क्रॉप। हाई यील्डिंग वराइटीज क्या काम रहता है इनका, देखो इनका क्यों हम इनको ज़्यादा यूज करते हैं, बिकॉज हाई यील्डिंग वराइटीज विथ रेजिस्टेंट टू डिजीज। फिर उसके बाद अल्कलिनिटी वीड्स अदर स्ट्रेस लाइक कोल्ड एंड ड्रॉट। फिर आता है नेक्स्ट हमारा बीटी कॉटन। बीटी कॉटन की बात करेंगे, जीन हैड बीन आइसोलेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया बैसिलस थुरिंगिना इंटीग्रेटेड विद जीनोम ऑफ कॉटन ड्यू टू दिस। ये आपको याद रखना, एग्जाम में बीटी कॉटन का डेफिनेशन आपको बोलते ना कि राइट शॉर्ट नोट ऑन बीटी कॉटन, तो ये पूछ सकते हैं। तो टॉक्सिन यहाँ से बॉलवर्म आर प्रोड्यूस इन लीव्स एंड बॉल्स ऑफ कॉटन। इफ बॉलवर्म फीड्स ऑन द लीव द टॉक्सिन मेंट्री कैनल डाइज। फिर बीटी ब्रिंजल भी सेम एक्ट पे एक्ट करता है बैसिलस थुरिंगिना। 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछेंगे, तो पूछेंगे विच बैक्टीरियल स्पीशीज इज यूज, और उसके बाद वॉट इज प्रोड्यूस इन द लीव्स, तो टॉक्सिक इज प्रोड्यूस बैसिलस थुरिंजिनेंसिस इज यूज। यहाँ पर भी ब्रिंजल किल्स एट द पेस्ट इन द सेम वे एज द बीटी कॉटन डज। फिर गोल्डन राइस, गोल्डन राइस विटामिन ए देता है, बीटा कैरोटीन सिंथेसाइज करता है। फिर कंपेयर 223 टाइम्स मोर अमाउंट ऑफ बीटा कैरोटीन रहता है, ये इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चलिए इसके बाद बोलते हैं हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट्स। वीड्स ऑलवेज इफेक्ट द ग्रोथ ऑफ मेन क्रॉप्स। इट इफ हर्बिसाइड्स आर यूज्ड टू डिस्ट्रॉय द वीड्स इट अफेक्ट्स द मेन क्रॉप टू। ड्यू टू दिस हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट वैराइटीज ऑफ क्रॉप्स आर बीन डेवलप्ड। ड्यू टू दिस इट हैज बिकम पॉसिबल टू सिलेक्टिवली डिस्ट्रॉय द। एग्जाम में अगर पूछा टू सिलेक्टिवली डिस्ट्रॉय द वीड्स डैश टाइप ऑफ टॉलरेंट प्लांट इज यूज, तो भाई क्या आएगा, हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट्स। एक ही क्वेश्चन इधर बनता है, लिख लो। एग्जाम में क्या पूछेंगे, टू सिलेक्टिवली डिस्ट्रॉय द वीड्स विच टाइप ऑफ प्लांट्स आर यूज, तो हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट्स। नेक्स्ट आता है आपका बायो फर्टिलाइजर। जब मैं बायो फर्टिलाइजर की बात करता हूँ तो इसके अंदर नाम मार्क करना, राइजोबियम, अजिटोबैक्टर, नोस्टॉक, एनाबिडान, प्लांट्स लाइक अजोला। अच्छा ऊपर के जो बैक्टीरियाज है, और ये एक आपका प्लांट्स है, आर यूज एज बायो फर्टिलाइजर। इन लास्ट ईयर वी हैव स्टडीड जेनेटिक इंप्रूवमेंट ऑफ प्लांट हैज बिकम पॉसिबल ड्यू टू टिश्यू कल्चर एंड बिसाइड्स दोज कैरेक्टर्स इन इट इनहेरिटेड टू नेक्स्ट जनरेशन। बस इसमें इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है। अच्छा ये बायो फर्टिलाइजर एंड इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड फॉस्फेट सॉल्युबिलिटीज एबिलिटीज ऑफ द प्लांट्स आर इम्प्रूव्ड। इसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो एनिमल हस्बेंड्री। जब हम एनिमल हस्बेंड्री की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या रहता है, टू मेन मेथड्स आर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर। एनिमल हस्बेंड्री का टू मेन मेथड क्या, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर आर यूज इन एनिमल हस्बेंड्री। इट हेल्प्स टू इम्प्रूव बोथ क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स, एग्जाम्पल मीट, वूल एक्सेट्रा। सिमिलरली एनिमल विथ मोर स्ट्रेंथ हैव बीन डेवलप्ड फॉर हार्ड वर्क। नेक्स्ट आता है आपका ह्यूमन हेल्थ। ह्यूमन हेल्थ की बात करोगे तो इसमें सबसे मेन चीज क्या होता है, सबसे पहले तो बीमारी को पहचानना। देखो इसे दो इंपॉर्टेंट क्या, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज आर टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन हेल्थ। आगे डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज एंड हार्ट डिजीज कैन हैज बिकम पॉसिबल इवन बिफोर द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स। विद हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी डायग्नोसिस ऑफ डिजीज लाइक एड्स, डेंगू कैन बी डन विद इन फ्यू मिनट, हैंस ट्रीटमेंट कैन बी डन एट द अर्लीस्ट। एक मिनट जरा अच्छे से मैं मार्किंग कर दूँ इसका। देखो क्या 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 मैंने बोला, सबसे पहला तो डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज आर टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। फिर इसके बाद डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज एंड हार्ट डिजीज हैज बिकम पॉसिबल इवन बिफोर द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। फिर डायग्नोसिस ऑफ डिजीज लाइक एड्स, डेंगू कैन बी डन विद इन फ्यू मिनट, हैंस ट्रीटमेंट कैन बी डन एट द अर्लीस्ट। वेरियस मेडिसिन आर यूज, एग्जाम्पल द हार्मोन इंसुलिन इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज। अर्ली इंसुलिन वॉज बीन कलेक्टेड फ्रॉम पैनक्रियास, हाउएवर नाउडेज ड्यू टू बायोटेक्नोलॉजी इंसुलिन कैन बी प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। इंसुलिन कैन बी प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। नेक्स्ट वेरियस वैक्सीन एंड एंटीबायोटिक्स आर ऑल्सो प्रोड्यूस इन द सेम वे। नेक्स्ट आते हैं वैक्सीन एंड वैक्सीनेशन। देखो वैक्सीन और वैक्सीनेशन की बात करेंगे तो वैक्सीन इज द एंटीजन, वैक्सीन इज द एंटीजन कंटेनिंग मटेरियल गिवेन टू आइदर अक्वायर आइदर परमानेंट और टेम्परेरी इम्यूनिटी अगेंस्ट अ स्पेसिफिक पैथोजन और अ डिजीज। ट्रेडिशनली वैक्सीन आर प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ पैथोजन्स, कंप्लीटली और पार्शियली किल्ड पैथोजन्स वर यूज। ट्रेडिशनली क्या होता था, कंप्लीटली और पार्शियली किल्ड पैथोजन्स वर यूज एज वैक्सीन। हाउएवर ड्यू टू दिस देयर वेर चांसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग द डिजीज इन केस ऑफ सम पर्सन
Hence, as an alternative, scientists try to artificially produce vaccines with the help of biotechnology. For this purpose, scientists produce the antigen in laboratory with the help of gene isolated from pathogen and use it as a vaccine. Thus, safer vaccines are being produced. तो पहले जो यूज होता था उसमें क्या करते थे, लाइव बैक्टीरिया यूज करते थे या फिर बोलते ना आधा मरा हुआ बैक्टीरिया यूज करते थे, तो चांसेस ये रहता था कि बॉडी में जाके वो बैक्टीरिया वापस ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए अब जो बैक्टीरिया यूज करते हैं उसके अंदर वो क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी उनके अंदर से वो जीन आइसोलेट करते हैं और उस जीन से वो बैक्टीरिया जो भी आपका बनाता था क्या, वो क्या बनाता था, वो एंटीजन, वो जीन को क्या करते थे, सेपरेट करेंगे, फिर वो एंटीजन को पेट्री प्लेट में ग्रो करते थे और फिर ऐसा बहुत सारा एंटीजन मिलता था, इसको फिर क्या करते थे, वो सेपरेट आउट करके बॉटल में भर के एज अ वैक्सीन वो यूज करते हैं। नेक्स्ट देखो, नाउ proteins which act as antigen are injected in pure form instead of injecting the killed or semi-killed pathogens. These proteins keep the person away from the disease by keeping the immune system active. Thus, injecting the antigen is safest way in the vaccination. Vaccine produced with the help of biotechnology are more thermostable and remain active for longer duration. Example, vaccines of polio and hepatitis. अभी ये हो देखो, ये तो हो गया normal vaccine, अभी होता है edible vaccine. ये diagram बहुत important है, mark कर लेना, transgenic potato का diagram बहुत important diagram है. Work on production of edible vaccines is in progress and presently potatoes are being produced with the help of biotechnology. These potatoes are called as transgenic potato. ये edible vaccine है, ये potato नहीं है भाई, ये edible vaccine है, मतलब दवाई का काम करती है. This potato will act as bacteria against like Vibrio, cholera, Escherichia coli. Consumption of this raw potato generate the immunity against cholera and the disease caused due to E. coli. What will happen if these potatoes are cooked? अगर ये potato को cooked करेंगे तो जो भी भाई उसके अंदर वो part है वो क्या हो जाएगा, evaporate या फिर बोलते ना volatile रहता है, तो वो evaporate हो जाएगा फटाक से. So, ये diagram याद रखना, isolation of gene, फिर transgenic plant virus, फिर उसके अंदर इन्फेक्ट किया, फिर ग्रो किया, फिर एंटायर प्लांट में ग्रो किया, और ये आपको सिर्फ कहाँ पर मिलेगा, तो भाई पोटैटो में. तो ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, इसको भी फिलअप करने के लिए वो आपको बोल सकते हैं. चलो अब यहाँ के देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. बायोटेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स लाइक इंसुलिन, सोमैटोट्रोपिन एंड ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर. इंपॉर्टेंट मार्क करना, इंसुलिन तो तुमको पता है, सोमैटोट्रोपिन और ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर दे दिया तो खत्म हो जाओगे, याद ही नहीं आएगा कि किधर का बात कर रही है. एक नेक्स्ट इधर एक वर्ड दे देखो, इंटरफेरॉन. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत छुपा हुआ है, बट एग्जाम में पूछते हैं इंटरफेरॉन क्या होता है. देखो, दिस अ ग्रुप ऑफ स्मॉल साइज प्रोटीन मॉलिक्यूल यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ वायरल डिजीज. वायरल डिजीज को ट्रीट करने के लिए किसको यूज करते हैं, तो भाई इंटरफेरॉन को यूज करते हैं. दिस आर प्रोड्यूस इन ब्लड. हाउएवर नाउडेज़ विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ट्रांसजेनिक ई कोला इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरॉन. तो एग्जाम में पूछा डैश टाइप ऑफ बैक्टीरियाज आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरॉन, तो आपका क्या आएगा, ई कोला. फिर नेक्स्ट आता है आपका जीन थेरेपी. जीन थेरेपी टू ट्रीट जेनेटिक डिसऑर्डर्स. जीन थेरेपी क्यों देते भाई, टू ट्रीट जेनेटिक डिसऑर्डर. जीन थेरेपी टू ट्रीट जेनेटिक डिसऑर्डर इन सोमैटिक सेल्स हैज बिकम पॉसिबल ड्यू टू बायोटेक्नोलॉजी. एग्जाम्पल, फिनाइल कीटोन्यूरिया PKU अराइजिंग ड्यू टू जेनेटिक चेंजेस इन हेपेटोसाइट्स. इट हैज बिकम पॉसिबल टू ट्रीट इट विद जीन थेरेपी. दिस मेथड इज कॉल्ड सोमैटिक सेल जीन थेरेपी. ऑल द सेल एक्सेप्ट स्पर्म एंड ओवा इन द बॉडी आर कॉल्ड एज सोमैटिक सेल्स. द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस हैज डेवलप्ड ट्रांसजेनिक वैरायटीज ऑफ टोबैको. देख भाई एक और आ गया. If cattle feed up only for this plant, they do not contract a viral disease that is called as rinderpest. सब important है, मार्क कर लो, कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको यहीं पर मिलेगा. अभी आपने ऊपर transgenic potato देखा और ये क्या है, transgenic tobacco, जिस जो कि कौन से disease से बताता है, तो viral disease called as rinderpest से बचाता है. किसको बचाता है, तो भाई cattle को बचाता है. आगे cloning, production of replica of any cell or organ or क्लोनिंग में क्या आएगा, देखो भाई प्रोडक्शन ऑफ रेप्लिका ऑफ एनी सेल और ऑर्गन और एंटायर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज क्लोनिंग. रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग, अ क्लोन कैन बी प्रोड्यूस बाय फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ सोमैटिक सेल विद द इन्यूक्लिएटेड ओवम ऑफ एनी बॉडी. दस देर इज नो नीड ऑफ स्पर्म टू प्रोड्यूस द ऑर्गेनिज्म. इसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग, जिसके अंदर आप एक नए बॉडी को डेवलप कर सकते हो. थेरेप्यूटिक क्लोनिंग में आते हैं. थेरेप्यूटिक क्लोनिंग मतलब क्लोनिंग यूज फॉर मेडिकल पर्पस. स्टेम सेल्स कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द सेल फॉर्म्ड इन लैबोरेटरी बाय द यूनियन ऑफ सोमैटिक सेल न्यूक्लियस विद इन द इन्यूक्लिएटेड सेल एग सेल. वेरियस डिजीज कैन बी ट्रीटेड विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेम सेल. फर्स्ट वन, सिमिलर टू सेल्स जीन कैन ऑल्सो बी क्लोन एंड मिलियंस ऑफ कॉपीज ऑफ सेम जीन कैन बी प्रोड्यूस दोज जीन थेरेपी एंड अदर पर्पस. ये डब्बा मार्क कर लेना. सी द प्रोटीन्स प्रोड्यूस बाय बायोटेक्नोलॉजी एंड द नेम्स ऑफ डिजीज अगेंस्ट द इंसुलिन डायबिटीज सोमैटोस्टैटिन डॉर्फिज्म एरथ्रोपोएटिन एनेमिया फैक्टर 8 हेमोफीलिया इंटरल्यूकिन कैंसर इंटरफेरॉन वायरल इन्फेक्शन. एग्जाम में आपको यहाँ से कुछ भी देकर उसके सामने वाला डिजीज और कौन सा प्रोटीन प्रोड्यूस होता है वो आपको पूछ सकते हैं.
नेक्स्ट यहाँ पर कंट्रोलिंग द इनहेरिटेंस ऑफ हेरिडिटरी डिजीज कंटिन्यूएशन ऑफ जनरेशन एनहांसिंग द हाउएवर देयर इज वर्ल्ड वाइड अपोजिशन टू ह्यूमन क्लोनिंग ऑन वेरियस इशूज. ये इसमें इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है. चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज योर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, दैट इज योर वाइट बायोटेक्नोलॉजी. वेरियस इंडस्ट्रियल केमिकल्स कैन बी प्रोड्यूस थ्रू द लेस एक्सपेंसिव प्रोसेस, एग्जाम्पल एल्कोहल प्रोडक्शन फ्रॉम शुगर मोलासेस विद द हेल्प ऑफ ट्रांसजेनिक ईस्ट. ये आप करेगा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट और वाइट बायोटेक्नोलॉजी. नेक्स्ट एनवायरमेंट एंड बायोटेक्नोलॉजी अगर आप चेकआउट करें तो यहाँ पर देखो क्या दिया. इट हैज़ बिकम पॉसिबल टू सॉल्व माइक्रोबियल टेक्निक्स आर ऑलरेडी यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज एंड सॉलिड वेस्ट. सीवेज इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर. इफ सीवेज such sewage is released in natural water bodies like river, the organic matter in it get oxidized with the help of dissolved oxygen. Due to this, level of dissolved oxygen in water decreases, adversely affecting the aquatic life. As remedy on this, sewage should be released into rivers only after oxidation with the help of microbial technique. First one, second one. Microbes are useful on a large scale while production of compost by treatment of solid organic waste material. फिर ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा बायो रेमेडिएशन, बायो पेस्टिसाइड, बायो फर्टिलाइजर, बायो सेंसर एक्सेट्रा, सम न्यू कॉन्सेप्ट इन बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड. तो एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं व्हाट आर द सम न्यू कॉन्सेप्ट इन बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड, तो वो क्या क्या रहेगा भाई, बायो रेमेडिएशन, बायो पेस्टिसाइड, बायो फर्टिलाइजर, बायो सेंसर एक्सेट्रा, सम न्यू कॉन्सेप्ट. इसके बाद ये वाला पेज देखते हैं चलो. फिर एवोल्यूशंस के लिए एक नया वीडियो लाएंगे. देखो यहाँ पर क्या बोला है, बायो रेमेडिएशन आइदर, अभी इसमें ना With if the plants are used for this purpose, तो phytoremediation, some example, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 का 6 आपके लिए बहुत important है. इसके अंदर pseudomonas बोला है, hydrocarbon and oil pollutant, फिर teres vitata बोला है, absorb arsenic from the soil, Indian mustard can absorb the selenium from the soil, sunflower can absorb uranium and arsenic, deinococcus radiodurans, radiant, highly radiant resistant organism, it has genetically modified and used to absorb radiation from effective रेडियोएक्टिव डेब्रिस. ग्रासेस लाइक अल्फा अल्फा, क्लवर एंड राई आर यूज्ड इन फाइटोरेमेडिएशन. पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट. फूड बायोटेक्नोलॉजी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है. दिस ये क्यों यूज होता है, इट इज मेनली यूजफुल इन फॉरेंसिक साइंसेज. आइडेंटिटी ऑफ द क्रिमिनल कैन बी एस्टेब्लिश विद द हेल्प ऑफ एनी पार्ट ऑफ इट्स बॉडी फाउंड एट द सिमिलरली आइडेंटिफाई फादर ऑफ एनी चाइल्ड कैन बी एस्टेब्लिश. इसको बोलते हैं पैटर्निटी टेस्टिंग. इसके लिए यूज करते भाई, तो पैटर्निंग टेस्टिंग के लिए यूज करते हो और क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं. नेक्स्ट क्लीनिंग ऑफ ऑयल स्पिलेज, हम लोग ने नेक्स्ट प्रीवियस वाले चैप्टर में देखा था, बट एक बार फिर भी आप ये टेबल रीड आउट कर लेना. इंपॉर्टेंट स्टेजेस इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट देखेंगे तो फर्स्ट आपका होगा क्या भाई, ग्रीन रेवोल्यूशन. ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करेंगे तो यहाँ पर कौन सा साइंटिस्ट का नाम आएगा, तो देखो भाई नॉर्मन बोरलॉग. ग्रीन रेवोल्यूशन में कौन आ रहे हमारे, तो नॉर्मन बोरलॉग आएंगे एंड डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ऑफ इंडिया वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन ग्रीन रेवोल्यूशन. वेरियस मेथड्स अप्लाइड फॉर हार्वेस्टिंग मैक्सिमम यील्ड फ्रॉम मिनिमम लैंड आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज ग्रीन रेवोल्यूशन. ये पूछ लेंगे कि क्या होता है. इंप्रूव डुआ वराइटीज ऑफ वीट एंड राइस, प्रॉपर यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड एंड वाटर मैनेजमेंट लेड टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स एंड देयर बाय लार्ज पॉपुलेशन हैड बीन सेव्ड फ्रॉम हंगर. नेक्स्ट कौन से इंस्टीट्यूट है जो इसमें यूज हो रहे हैं. फर्स्ट इंस्टीट्यूट आपका देखो यहाँ पर दिया है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARF इन न्यू दिल्ली, नेशनल सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर एंड अलाइड ब्रांचेस, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेंसिक, नेशनल प्रोमोगेंट रिसर्च सोलापुर. तो आपको इंस्टीट्यूट का नाम याद रखना प्लस उसका लोकेशन याद रखना है. चलिए नेक्स्ट वाइट रेवोल्यूशन पे चलते हैं. ये बस हमारा हो चुका है, चैप्टर खत्म होने को आ गया. वाइट रेवोल्यूशन पे चलेंगे तो वाइट रेवोल्यूशन में ज़्यादा कुछ नहीं. देखो इसमें से आपको सिर्फ क्या याद रखना भाई, नोट याद कर या नोट याद रखना राइट शॉर्ट नोट. यहाँ पर नाम रहेगा वर्गेस क्यूरिन, फिर डेयरी कैन नॉट बी अलाइड, फिर यहाँ पर ही पुट दी कॉपरेटिव डेयरी मूवमेंट ऑफ आनंद गुजरात एट ऑल हाई टेम स्टेटस, फिर अचीविंग सेल्फ सफिशियंसी इन डेयरी बिजनेस, वेरियस एक्सपेरिमेंट्स आर परफॉर्म इन कंट्रोल क्वालिटी न्यू डेयरी प्रोडक्ट्स आर प्रिजर्वेशन. नेक्स्ट देखिए इतना इंपॉर्टेंट इसमें रहेगा. ब्लू रेवोल्यूशन की बात करें तो इसमें फिशेज के बात हुआ था. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ऑन पिसीकल्चर बाय लॉन्चिंग द प्रोग्राम नील क्रांति मिशन 2016 NKM एंड 50-100% सब्सिडीज. मरीन एंड फ्रेश वाटर फिश इज पॉसिबल ऑन लार्ज स्केल. फ्रेश वाटर फिश लाइक रोहू कटला एंड अदर फिशरी प्रोडक्ट लाइक श्रिम्स एंड लॉबस्टर बीन कल्चर्ड ऑन लार्ज स्केल. तो कौन सी वराइटीज ऑफ फिश कल्चर हो रही है वो भी आपको इसमें पूछ सकते हैं. नेक्स्ट फर्टिलाइजर की जब आप बात करते हो तो टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर आप यूज करते हो. वन दोज इज ऑर्गेनिक मैन्योर एंड द अदर विच इज केमिकल फर्टिलाइजर. वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इंप्रूव्स विद सॉइल कंजर्वेशन एंड ड्यू टू यूज ऑफ मैन्योर. तो क्या इंक्रीज होता है बिकॉज ऑफ फर्टिलाइजर, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. देखो अपर लेयर ऑफ सॉइल इंस्ट्रूमेंट एसेंशियल फॉर किसकी क्या क्या चाहिए उनको, तो तीन चीजें चाहिए. वेरियस एलिमेंट्स लाइक एनपीके कैन बी अवेलेबल टू क्रॉप्स ड्यू टू अर्थवर्म एंड फंगाई. इन सॉइलेस फार्मिंग हाइड्रोपोनिक्स लिक्विड केमिकल फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड. हाउएवर
देर आर मोर हार्मफुल इफेक्ट ऑन लिवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इट इंक्लूड डिक्रीज इन फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ये इंपॉर्टेंट पार्ट। फिर इंसेक्टिसाइड्स की बात करें तो दो द नेचुरल इम्यूनिटी ऑफ प्लांट्स कैन प्रिवेंट इन्फेक्शंस, यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड इज नॉट अंडर कंट्रोल इरिस्पेक्टिव। क्या क्या यूज करते हैं देखो, दिस पॉइजन एंटर्स द फूड वेब थ्रू वाटर एंड फूड एंड इट्स बायो मैग्निफिकेशन, इधर इंपॉर्टेंट है। पेस्टिसाइड्स आर इन फैक्ट अ टाइप ऑफ पॉइजन, एग्जाम में याद रखना, स्टेटमेंट्स पूछ सकते हैं। वेरियस पेस्टिसाइड्स लाइक डीडीटी, मलाथियन, क्लोरोपाइलेज एक्सेट्रा हैव बीन प्रूव्ड टू डेंजरस, तो एग्जाम में पूछेंगे कौन से एग्जाम्पल हैं आपके किसके भाई, तो इंसेक्टिसाइड्स की या फिर पेस्टिसाइड्स के। नेक्स्ट देख लो ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करोगे तो नाउअडेज ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोडक्ट्स आर बीइंग वैल्यूएबल एंड डिमांड फॉर देयर एवर इंक्रीजिंग, केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स हैव बीन यूज्ड ऑन अ लार्ज स्केल, दिस पॉइजन केमिकल रीच द एनवायरनमेंट थ्रू बॉडी एंड वेरियस प्रॉब्लम्स लाइक सॉइल फर्टिलिटी एंड पेस्ट इन्फेस्टेशन हैव बिकम सीरियस, सो एज टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, तो कौन से प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज कर रही है, तुम्हारा एक क्वेश्चन हो सकता है विच प्रॉब्लम आर ओवरकम बाय ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो ये दोनों पैराग्राफ आपको लिखना है। उसके बाद फार्मर्स, इट इंक्लूड्स कंप्लीट बैन ऑन केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स, स्टडी वराइटीज एंड देयर बाय मेंटेनिंग नेचुरल बैलेंस, डेफिनेटली दिस इज वेलकम डिसीजन। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है एपिकल्चर, एपिकल्चर की बात करोगे तो इसके अंदर किसका कल्टीवेशन करते हैं, तो भाई हनी बी का कल्टीवेशन। दिस मेथड यूज कॉज द डिस्ट्रक्शन ऑफ हाइव एंड लार्ज स्केल रेट ऑफ बीस हाइवर, इट इज इजी टू कलेक्ट द हनी विदाउट डिस्ट्रॉइंग द हाइव एंड बीज, आर्टिफिशियल बी बॉक्सेज आर यूज, ये एपिकल्चर का सेक्शन हो जाएगा, ये सब पे आपको राइट शॉर्ट नोट मिलेगा। चलिए कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट देखते हैं। इन इंडिया इज बीन गिफ्टेड विद ग्रेट, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर हाँ, इंडियन सिटीजन हैव एस्टेब्लिश्ड द अनबैलेंस स्ट्रॉन्ग रिलेशन विद नेचर, वी हैव ग्रेट ट्रेडिशन ऑफ आयुर्वेदा दैट क्योर्स द ट्री, ट्रेडिशन ऑफ आयुर्वेदा। फिर यहाँ पर ये देखो अडुल सा दिख रहा है, वैसासीन प्रेजेंट थ्रू लीफ कफ के लिए, और ये सेकंड आपका क्या है, तो भाई यहाँ पर क्या आएगा, नीम आएगा, इसके अंदर क्या रहता है आजाडी रिक्ता करके रहता है, और कफ ये यूज करते हैं किसके लिए, आपको टेबल में मिल जाएगा, मास्टर की में देखोगे तो वहाँ पर आपको चीज़ें मिल जाएंगी, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना ये टेबल। फिर अर्ली डेट प्लांट्स वर हाउएवर ड्यू टू डेप्लेशन फॉरेस्ट मेडिसिन प्लांट्स आर बिकमिंग रेयर, हेंस मेडिसिन प्लांट्स आर बीन कल्टिवेटेड। नेक्स्ट आपका कौन सा देखो, फ्रूट प्रोसेसिंग, फ्रूट प्रोसेसिंग देखोगे तो फ्रूट प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वी आर डेली यूजिंग वेरियस प्रोडक्ट, ऑल आर कंज्यूमिंग चॉकलेट जूसेस जैम्स एंड जेलीज, ऑल दिस प्रोडक्ट्स कैन बी प्रोड्यूस बाय प्रोसेसिंग ऑन फ्रूट्स, फ्रूट्स आर पेरिशेबल एग्रो प्रोड्यूस, इट नीड्स टू बी प्रोसेसिंग सच ए वे दैट इट कैन बी यूज थ्रू आउट द ईयर, फ्रूट प्रोसेसिंग इंक्लूड वेरियस मेथड्स रेंजिंग फ्रॉम स्टोरेज इन कोल्ड स्टोरेज टू ड्राइंग, सॉल्टिंग, एयरटाइट पैकिंग, प्रिपेयरिंग मुरब्बा एक्सेट, इवेपोरेटिंग एक्सेट्रा, तो ये क्या हो जाएंगे भाई आपके वेरियस वेज ऑफ फूड फ्रूट प्रोसेसिंग, तो एग्जाम में पूछ सकते हैं व्हाट आर द वेरियस वेज ऑफ फूड प्रोसेसिंग, तो ये सारा आपको लिखना रहेगा। चलिए इसके बाद अब आपको एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन करना है, ऑब्जेक्टिव तो सब करना है भाई, इसके बाद इधर आओगे तो ऑब्जेक्टिव आपको सब करना है, और ऑब्जेक्ट अभी ना ये करने के बाद आप जब ये ऑब्जेक्टिव करोगे तो आपको पता चलेगा आधी से ज्यादा चीजें आपको आती हैं, क्यों, क्योंकि आधी से ज्यादा चीजें मैंने बता चुकी है ना भाई। सेम देखो यहाँ पर आपको ये बायोटेक्नोलॉजी ये दोनों करना है, इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिसिनल प्लांट अभी जस्ट किया हमने पीछे, फिर इसमें से आप क्या करोगे देखो भाई, ये टेबल तो आपको करना ही है, इसमें से जितना आंसर आपसे याद हो सकता है उतना कर लेना, बाकी का आप वैक्सीनेशन करना, इंपॉर्टेंस बाय सम ऑर्गेन, हाँ ये वाला कर लेना, फिर ये वाला कर लेना। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई, ये चैप्टर 8 हमने पूरा कवर कर लिया, अब इसके बाद जो वीडियो आएगी उसके अंदर आप चैप्टर 9 का वीडियो लेकर आएंगे, चैप्टर 10 का वीडियो लेकर आएंगे, तो तब तक ये जो वीडियो आई है इनको आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए, और आई होप आपको इससे हेल्प होगी, अगर हेल्प होगी तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए।